हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज बात करेंगे हम लोग नेशनल पीजी कॉलेज के बारे में। इसके लोकेशन की बात करेंगे, एडमिशन प्रोसीजर, एडमिशन क्राइटेरिया, कोर्सेज, फीस, इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा ऑल लेवल पे हम लोग दोस्तों बातें करेंगे। कैसे एंट्रेंस टेस्ट इसका निकाला जाएगा, कहाँ से तैयारी करनी है, क्या करनी है, कब इसके एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे, लास्ट डेट क्या होने वाली है, हर चीज़ पर दोस्तों बात करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आगे भी इस कॉलेज के लिए आपको अपडेट चाहिए या लखनऊ के किसी भी कॉलेज के लिए चाहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं नेशनल पीजी कॉलेज की लोकेशन। दोस्तों, हज़रतगंज में ये कॉलेज सिचुएटेड है, सहारा मॉल के पास में। कॉलेज का दोस्तों जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न है और जितने भी अदर कॉलेजेस हैं और यूनिवर्सिटीज़ हैं लखनऊ में, उन सबसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर इस कॉलेज का है दोस्तों। साथ ही हम बात कर लेते हैं, ये कॉलेज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज पूरे इंडिया का है। अगर हम लोग बात करते हैं कॉमर्स कॉलेजेस के लिए, तो अगर जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, अगर ज्वाइन करना चाहते हैं आफ्टर ट्वेल्थ इस वाले कॉलेज को, तो ये ज्वाइन कर सकते हैं। बेस्ट कॉलेज आपको पूरे लखनऊ का मिलेगा ये, और इसकी दोस्तों डिमांड सबसे ज़्यादा लखनऊ में रहती है, तो कॉलेज बहुत अच्छा है, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। कॉलेज ज्वाइन कैसे करना है उस पर बात कर लेते हैं। पहले एडमिशन क्राइटेरिया की, कि आखिर आपके क्लास ट्वेल्थ के मार्क्स के बेसिस पे आपका इसमें एडमिशन होगा, कि आपका जो इंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो ये कंडक्ट कराता है कॉलेज। तो ये इंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है दोस्तों, इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो आ जाते हैं मई में, आप लोगों के जो एडमिशन फॉर्म्स हैं ये आ जाएंगे। कैसे भरना है वो सब हम लोग बताएंगे आपको आगे चल के। तो एडमिशन फॉर्म की लास्ट डेट दोस्तों जून तक होती है, उतने दिनों में आप लोगों को ये फॉर्म भर देना है। फिर जुलाई में दोस्तों ये आपका एग्ज़ाम होता है, फिर उसके बाद एग्ज़ाम के बाद आपकी मेरिट लिस्ट आ जाती है। यहाँ पे मार्क्स आपके आते हैं, मेरिट लिस्ट नहीं आती। एक आपको पोर्टल मिलेगा, उस पर आप लोग आईडी पासवर्ड डाल के अपना लॉगिन करके देख सकते हैं कि आप लोग जो कट ऑफ है वो क्वालिफाई कर पाएँ कि नहीं कर पाएँ। नहीं करेंगे दोस्तों तो उसके बाद आप लोग कॉलेज ऑफलाइन विजिट करके अगर सीट्स बची होंगी तो आप लोगों को मिल जाएगा, वरना इस कॉलेज में डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है। इसकी जैसे ही जैसे इसकी एंट्रेंस जिन बच्चों का क्वालिफाई होता है वो कॉलेज बहुत मुश्किल से ये छोड़ते हैं, क्योंकि इस कॉलेज में जो एडमिशन होता है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होता है इसके एंट्रेंस में। तो कोशिश करिएगा कि इस वाले कॉलेज के लिए आप लोग तैयारी पहले से करें। अगर आप लोगों को तैयारी करनी है तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसमें हम लोग अभी कुछ दिनों बाद से ये नेशनल पीजी कॉलेज और जितने भी कॉलेज हैं जहाँ पे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है एंट्रेंस के लिए, वो सारों की वीडियो डालने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं पूरा प्रोसीजर क्या रहेगा। तो मैंने आपको बता दिया था, एप्लीकेशन फॉर्म बनने बाद एंट्रेंस, एंट्रेंस के बाद रिजल्ट, रिज़ल्ट के बाद दोस्तों काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के बाद आप लोगों को फ़ीस सबमिट करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद आप लोग अपने क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। आप लोगों को फ़ीस जो है वो दोस्तों एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग ही सबमिट करनी पड़ेगी। आपको जो काउंसलिंग होगी वो ऑनलाइन ही ऑफलाइन होगी, आपको कॉलेज विजिट करके ऑफलाइन काउंसलिंग करानी पड़ेगी। तो ये पूरा प्रोसीजर रहा दोस्तों। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो दोस्तों मैं आपको सारे प्रोग्राम्स बता देता हूँ यहाँ पर जो भी हैं। सबसे पहले है बीए, फिर है बीएससी पीसीएम, बीएससी जेडबीसी जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री, और बीएससी पीसीएम में है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, बीकॉम है दोस्तों यहाँ पर, बीसीए है, और बैचलर ऑफ वोकेशनल कोर्सेज भी है, और बीकॉम ऑनर्स भी है। साथ ही में बीबीए है, बीबीए डीबी, बीए जीएमसी मतलब बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, और बीबीए टूरिज्म है, और बैचलर ऑफ वोकेशनल ब्रॉडकास्टिंग, ये वाला कोर्स भी दोस्तों यहाँ पर है। ये टोटल कोर्सेज आप लोगों के हो गए अंडर ग्रेजुएशन के। अब हम लोग बात कर लेते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज, तो एमए, एमएससी, एमकॉम, साथ ही में लास्ट एमवॉक, एमवीओसी मास्टर ऑफ वोकेशनल कोर्सेज, ठीक है। तो इसका भी आप लोग फॉर्म यहाँ पर डाल सकते हैं। अब हम लोग बात कर देते हैं कि जो इन प्रोग्राम्स के अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, क्योंकि ये बच्चों का डाउट रहता है कि जो प्रोग्राम्स हैं उनका भी नाम आप लोग ले लीजिए, जिससे हम लोग पता चल पाए कि वो प्रोग्राम हम लोग के कॉलेज में अवेलेबल है कि नहीं। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने आपको बता दिया था कि ये यहाँ पे कोर्सेज हैं। अब जो इनके अंदर सब्जेक्ट्स हैं वो मैं बता दूँ दोस्तों, यहाँ पे तीन नए सब्जेक्ट ऐड हुए हैं। एक है एमएससी केमिस्ट्री, एमए पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम, और बीबीए डिजिटल बिजनेस, ये यहाँ पे नए प्रोग्राम्स ऐड हुए हैं, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं सब्जेक्ट्स कौन से रहने वाले हैं इसके अंदर। तो पहले पीजी लेवल में हम लोग बात कर लेते हैं, अगर आप लोग पीजी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं इस कॉलेज में, तो एमए एमएससी एंथ्रोपोलॉजी है दोस्तों, एमए इंग्लिश लिटरेचर है, एमए इकोनॉमिक्स, एमए ज्योग्राफी, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए साइकोलॉजी, एमपीएच, और पीजी डिप्लोमा इन रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, पीजी डिप्लोमा इन फॉरेन साइंस, ये दोस्तों हो गए सब्जेक्ट्स आप लोगों के पीजी लेवल पे। अब हम लोग दोस्तों बात कर लेते हैं सब्जेक्ट्स आपके यूजी लेवल पे, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर
जो कोर सब्जेक्ट्स हैं वो हैं एंथ्रोपोलॉजी, एजुकेशन, ज्योग्राफी, फिजिकल एजुकेशन, साइकोलॉजी, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, पॉलिटिकल साइंस, मैथमेटिक्स। ठीक है, तो ये दोस्तों कोर्सेज हो गए आपके आर्ट्स के, जो भी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में आर्ट्स लेना चाहते हैं बीए, तो उनके लिए कोर्सेज हो गए। अब हम लोग दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो यहाँ पर कॉमर्स के कोर्सेज, तो कॉमर्स दोस्तों यहाँ पे तीन है, बीकॉम, बीकॉम ऑनर्स, एमकॉम प्योर, ये दोस्तों कॉमर्स के कोर्सेज हैं। अब फैकल्टी ऑफ साइंस में हम लोग बात कर लेते हैं, बीएससी बायोलॉजी में दोस्तों यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी बता देता हूँ, जोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, ये एक पूरा आप लोग तीन सब्जेक्ट मिलेंगे अगर आप लोग इस वाले प्रोग्राम में लेना है, बीएससी जेडबीसी, बीएससी जेडबीए, जोलॉजी, बॉटनी, एंथ्रोपोलॉजी। और फिर दूसरा दोस्तों लास्ट कोर्स है बीएससी मैथ्स का, जिसमें आपको छः सब्जेक्ट दिए जाएंगे, इन छः सब्जेक्ट्स में आप लोग चूज़ कर सकते हैं। तो जो छः सब्जेक्ट्स हैं वो हैं केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैट्स, तो ये बीएससी मैथ्स ग्रुप हो गया। ठीक है, अब लास्ट में दोस्तों ये फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर साइंस है, अगर जिनको बीसीए लेना है या बीएससी लेना है कंप्यूटर साइंस के साथ तो वो लोग ले सकते हैं, कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम भी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, और मैंने पीजी लेवल के सारे सब्जेक्ट दोस्तों बता ही दिए हैं, एमएससी केमिस्ट्री और बीए एजुकेशन भी दोस्तों यहाँ पर है। ठीक है, और मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं बीबीए, बीबीए एमएस, तो टोटल दोस्तों ये कोर्सेज थे। ठीक है, अब इन लोगों का जो दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म है वो निकल जाएगा दोस्तों 4 मार्च से लेकर आपको जो मई है उसके बीच में दोस्तों फॉर्म में पक्का निकल जाएगा। और जो फीस होने वाली है दोस्तों बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम के जो एप्लीकेशन फॉर्म की वो है 900 रुपये, और जितने भी अदर कोर्सेज हैं उनके लिए दोस्तों 1000 रुपये है। ठीक है, और जो एप्लीकेशन फॉर्म की मैंने फ़ीस बताई है 1000 रुपये, उसमें 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस है और एडमिशन प्रोसेस की फ़ीस 500 है, तो दोनों 500-500 प्लस हो के 1000 आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो फीस है वो है आपकी, और ये नॉन रिफंडेबल है, इसको रिफंड बाद में नहीं किया जा सकता। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसमें जो एलिजिबिलिटी है, मिनिमम परसेंटेज कितने रिक्वायर होते हैं आपके क्लास ट्वेल्थ में। देखो इंट्रेंस तो हो गया होगा, साथ ही में इसमें मार्क्स का भी एक क्राइटेरिया है, तो इतना तो आपको मिनिमम होना ही चाहिए इस कॉलेज में अगर एडमिशन लेना है। दोस्तों बीए में आपके 45% मार्क्स होने चाहिए, बीएससी पीसीएम में 50% मार्क्स होने चाहिए, बीएससी जेडबीसी में आपके 50% होने चाहिए, बीकॉम में आप लोगों को दोस्तों 55% मार्क्स होने चाहिए, बीसीए बीवॉक में दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, और दूसरों में ऐसा कोई भी मैंडेट नहीं है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम लोग जल्दी से बात कर लेते हैं सीट्स कितनी हैं यहाँ पर। तो बीए में दोस्तों 320 सीटें हैं, जिसमें से 120 सीटें सेल्फ फाइनेंस हैं और जो रेगुलर हैं वो 320 हैं, तो दोनों मिला के दोस्तों 440 सीटें हैं। एमए एमएससी में दोस्तों 40 सीटें टोटल, एमए में इकोनॉमिक्स में 60 सीटें हैं और इंग्लिश, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और साइकोलॉजी सब में दोस्तों 7 सीटें हैं। बीकॉम में दोस्तों 550 सीटें हैं टोटल। ठीक है, इसमें सेल्फ फाइनेंस और रेगुलर की अलग अलग होंगी, और ये एमकॉम में 80 सीट्स हैं, बीबीए में 120 सीट्स हैं, बीबीए में 60 हैं और बीसीए में 60 सीट्स हैं। ठीक है, बीएससी में दोस्तों 120 सीटें हैं और मैथ्स वाले में दोस्तों 240, बायोलॉजी में 120, एमएससी केमिस्ट्री में 40 हैं और वोकेशनल कोर्सेज में 100 हैं, और एमवॉक में दोस्तों 50-50 सीट्स हैं। ठीक है, दोनों अलग हैं, एक है बैंकिंग, स्टॉक्स एंड इंश्योरेंस, एक है सॉफ्टवेयर एंड ई गवर्नेंस, तो ये एमवॉक के दो कोर्सेज हैं, तो उन दोनों में दोस्तों 50-50 सीट्स हैं। तो मैंने सब कुछ आपको दोस्तों बता दिया है इसमें ओवरऑल। अब हम लोग जल्दी से बात कर लेते हैं कि जो इसमें फ़ीस होने वाली है आप लोगों की पर सेमेस्टर वो कितनी दोस्तों होने वाली है। तो मैं बता दूं जो टोटल फ़ीस आप लोगों की पर सेमेस्टर पढ़ने वाली वो 3-4 हज़ार के बीच में होने वाली जनरल किसी भी कोर्सेज के लिए, चाहे आप लोग पीजी में हो चाहे यूजी में हो। अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस लेंगे एक्स्ट्रा तो उसमें आपकी जो फ़ीस है थोड़ी एक्स्ट्रा पड़ेगी। अगर आप लोगों को कोई और भी डाउट हो तो आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में, तब तक हम लोग फिर दोस्तों दूसरी वीडियो में, अगर कोई भी डाउट आपका रह गया होगा तो उस दूसरी वीडियो में हम लोग आपको सारी चीज़ें कवर करके बता देंगे। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम।